हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, खादर। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पुराण। पुराण भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना, चांदी, लोहा या फिर एल्यूमिनियम? धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सोना। अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, लोहा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1953। अगला प्रश्न है, एरड अभिलेख का संबंध किस शासक से है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भानुगुप्त। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 20, 22, 24 या फिर 14? सही आंसर है ऑप्शन सी, 24। अगला प्रश्न है, बोधगया कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1885। अगला प्रश्न है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह, महात्मा गांधी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है, नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11 तक। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, 6। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अफ्रीका। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह किसे माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रोटरडम। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सरयू। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है, यक्षगान लोकनाट का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन बी,
कर्नाटक राज्य। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा कराया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक क्या है? पानी, पारा, ईथर या फिर बेंजीन। सही आंसर है ऑप्शन बी, पारा। पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 5, 6, 7, 8। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में बग क्या है? एक वायरस है, प्रोग्राम में गलती, एक प्रोग्राम है या फिर चुंबकीय डिस्क भंडारण उपकरण। सही आंसर हो जाएगा प्रोग्राम में एक गलती है, बग, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.6। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, ल्यूवेनहॉक। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कवक। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 12, 13, 31, 33। सही आंसर है ऑप्शन सी, 31। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रतौंधी। अगला प्रश्न है, बाराबाती स्टेडियम कहाँ स्थित है? कटक, पुणे, चेन्नई, भुवनेश्वर। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, कटक। कटक में बाराबाती स्टेडियम स्थित है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।